सोलन के बसाल में कल हुई तेज बारिश के कारण क्षेत्रवासियों के घरों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से उनके घर का सामान, बिस्तर और अन्य सामान पानी से गीले हो गए। यह सारा पानी बसाल में चल रही रेत की खान से आ रहा है। रेत की खान से जब पानी रफ्तार से बहता हुआ आया तो वह अपने साथ रेत को भी बहाकर लाया, जो सड़क पर आकर जमा हो गया, जिसे अब खान संचालक हटाने का प्रयास कर रहे हैं। सड़क पर बनी लोक निर्माण की पुलिया ब्लॉक होने के कारण यह सारा पानी नाले में जाने की बजाय लोगों के घरों में घुस गया, जिसकी वजह से गरीब क्षेत्रवासियों को मंदी के दौर में भारी नुकसान उठाना पड़ा। और इस घटना के बारे में बताते हुए उनकी आंखों में आंसू तक छलक गए। क्षेत्रवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि नाला अतिक्रमण की वजह से छोटा पड़ चुका है। जो पुलिया लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई थी वह पिछले 5 वर्षों से बंद पड़ी है, जिसकी वजह से रेत की खान से आने वाला पानी उनके घरों में घुस चुका है। उनके सामान को तो भारी नुकसान पहुंचा ही है, अब उनके घरों के लिए भी यह पानी बड़ा खतरा बन चुका है, जिसके लिए वह जिला प्रशासन को कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन शायद प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी होने का इंतजार कर रहा है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन जिला प्रशासन नींद से नहीं जाग रहा है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय बरसातें आरंभ हो जाएंगी, जिसकी वजह से पानी का खतरा और बढ़ जाएगा, इसलिए जिला प्रशासन को चाहिए कि वह जल्द इस बारे में कुछ कार्यवाही अमल में लाए। ये देखो इधर टाई बन गया, पर बर्बाद हो चुका सारा इनका। इधर कितना पानी देखो, कल आपके सामने आई, कितना यहाँ पानी घुस गया। देखो हमारे सारे बिस्तर, सारे सोने वाले बिस्तर सब गिले है, सारा नीचे पानी पानी है। देखो ये इसके नीचे सारा पानी, देखो ये सब गिल्ला है, ऊपर से सारा पानी आया जी, ऊपर से रहते ही खान से ये सारा, ये नाला भी ब्लॉक हो गया था जी, ये ऊपर सड़क से सारा पानी नीचे को देखो सारा, यहाँ अपने कमरे हमारे देखे होंगे, शटरिंग सारा खत्म है, बंद करी भी, सब यहीं से पानी आया सर, यहाँ से नाला जी ब्लॉक हुआ तभी सर यहाँ से पानी आया, हमारे कमरे में सारा पानी अंदर घुस गया जी। देखो सारे बिस्तर गिले हैं, न खाने रोटी बनाने के लिए कोई जगह नहीं, आपने देखा होगा सर अंदर कमरे में कुछ नहीं था, बेड बिस्तर वगैरह सब गिले है। देखो हमने सुना है कहाँ सुनिए, 2016 से एनक्रोचमेंट का केस चला हुआ है, गवर्नमेंट एनक्रोचमेंट की गई हुई है इस नाले की, जो 3 मीटर नाला होता था वो 1 मीटर के से भी कम रह चुका है। एनक्रोचमेंट का केस तहसीलदार सोलन के कार्यालय में पिछले 5 सालों से पेंडिंग चल रहा है, पता नहीं क्या कारण है, किसी का दबाव है उस वजह से नहीं किया जा रहा है इसको हल। आज जो केस 3 महीने में कंप्लीट किया जाता था उसको 5 साल लग चुके हैं। हमारे मकानों को क्षति पहुंचती है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तहसीलदार सोलन इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। मैं मांग करूंगा कि PWD और नगर निगम इस विषय पर ध्यान दे, क्योंकि आने वाले समय में ये भयंकर रूप धारण कर सकती है और लोगों को जान मान का खतरा हो सकता है। लोगों की सुविधा को देखते हुए हमारी सुरक्षा पर भी ध्यान दें।